नहर के साथ इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा मेरा दिल खुश कर दिया है, और मैंने सोचा इस वीडियो की शुरुआत इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झोरझोरा वाटरफॉल और यहां से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे। आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत से वाटरफॉल को। सबसे पहले तो ये डेंजर चीज को मैं क्रॉस कर लूँ। सब लोग कुछ इस प्रकार चढ़ते हैं। बाप रे, बहुत हाइट है यार। फर्स्ट गियर लगाए हो कि सेकंड गियर? सेकंड। अरे भाई साहब, क्या क्या करना पड़ता है। बजाओ भैया पूपू, बजाओ बजाओ। ये काफी ताकत लगती है ना भैया चढ़ने में? बहुत ताकत लगता है। हर लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट की सेकंड? लेकिन आप स्टेमिनेटेड लगते हैं। आप ऊपर तक जाएंगे? नॉर्मल रहता है उसका फर्स्ट गियर लगता है, जो है ना टली रहता है उसका सेकंड ही लगता है। अच्छा सर, तो बेनिफिट किस में है? दोस्तों झोरझोरा वाटरफॉल के ठीक नीचे खड़ा हूँ मैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। गियर 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 कौन? फिफ्थ गियर। ये बढ़िया गाड़ी है यार आपकी। हाउ इज द जोश? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग झोरझोरा वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं। यहां पर सब लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। यहां पे स्पेस दिया गया है, यहां पे कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, जगह है करके यहां पे सब लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। बहुत सारे लोग यहां पे पिकनिक बना रहे हैं और कुछ छोटी मोटी दुकानें भी लगी हैं। दोस्तों झोरझोरा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले से 26 किलोमीटर की दूरी पर नगरदा नामक गांव के पास स्थित है, और सबसे नज़दीकी गांव जो है ये गुड़वा गांव है दोस्तों। और आप गूगल मैप की मदद से इस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप के मदद से आप लोग सिवनी से होते हुए आप लोग पहुँचते हैं जीरो डैम तक। वहाँ से आपको लेना है राइट टर्न, और राइट टर्न लेने के बाद 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको एक और नहर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज मिलेगा। उस ब्रिज के किनारे ही दुकान है। दुकान से हमेशा याद रखिएगा, आपको दुकान के पास से लेफ्ट लेना है और वो रोड आपको सीधा ले जाएगी झोरझोरा वाटरफॉल तक। बहुत ऊँचा वाटरफॉल है दोस्तों, तो काफ़ी एनर्जी लगने वाली है। जहाँ से इसका पीक पॉइंट है इस वाटरफॉल का, वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा मैं और ऊपर से नज़ारा दिखाऊँगा आपको। इस वाटरफॉल की खास बात यह है कि इसकी ऊँचाई कितनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो चट्टानों का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है। 3 स्टेप में इस वाटरफॉल की पानी की धारा नीचे की ओर बहती है, और ये बरसाती वाटरफॉल है दोस्तों, तो बरसात के मौसम में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुंड बना हुआ है, ये नेचुरल नहीं है, इस डैम की वजह से ये कुंड बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। अभी तो दोस्तों मैंने शुरुआत ही नहीं करी इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने की, इस पहाड़ को चढ़ने की, और अभी से मैं पसीना से लथपथ हो गया हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों सबको? अच्छा, मजा आ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हमेशा की तरह एक दोस्त मिल गए हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम समीर है। हाँ, मैं इधर पास ही गांव से हूँ और मैं इधर घूमने आया हूँ। ओके, तो हम लोग साथ मिलकर घूमने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से चढ़ने की प्रक्रिया इस तरह से शुरू करते हैं। मैं अकेला चढ़ूंगा दोस्तों, पापा जी को नहीं चढ़ा रहा हूँ, वैसे धूप तेज है। क्या कहना चाहोगे? बस कहना ये चाहूँगा कि अनमोल खजाना है कुदरत का, सभी लोग आइए एंजॉय कीजिए इस जगह का। अच्छा है, ज़्यादा स्टिप नहीं है, ऑफिस लाइन भी नहीं है क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है। अच्छा, ओ यहाँ फिसलन है, यहाँ पे फिसलन है, लेकिन आप धारा देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है मेरे पीछे। यही वाटरफॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 80 फीट ऊंचा है। ये पहला स्टेप है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 स्टेप बनाते हुए नीचे की ओर गिरती है ये पानी की धारा। ये वाटरफॉल काफ़ी ऊँचा है, और इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो लगभग 600 से 700 फीट ऊँची है। ये पूरा वाटरफॉल चट्टानों से बना है। केवल ये पूरा वाटरफॉल नहीं दोस्तों, ये पूरी पहाड़ी इन्हीं चट्टानों से बनी हुई है। तो हम लोगों ने अभी तक 80 फीट चढ़ाई चढ़ी है, आप मेरे पीछे हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जितना आप ऊपर पहुंचते जाते हैं आपको वाटरफॉल और उतना
क्लियरली दिखाई देता है। फाइनली दोस्तों हम लोग सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये लगभग 60 फीट ऊंचा वाटरफॉल आपको सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आते तक मेरी हालत खराब हो गई दोस्तों, लेकिन आप लोग की हुई पूरा झोर-झोरा वाटरफॉल के ठीक नीचे खड़ा हूँ मैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। दोस्त लोग मिलते जा रहे हैं दोस्तों, और हमेशा की तरह मैं उनका जोश दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे जोश को देख के ना मैं खुद एक्साइटमेंट, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है दोस्तों, और एक्साइटमेंट बढ़ाते बढ़ाते मैं इतना ऊपर पहुंच चुका हूँ हाइट में, और अभी भी 150 फीट बचा है। और भैया लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, चलिए चलता हूँ ना मैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा भैया। धीरे धीरे करके हाइट बढ़ते जा रही है, मजा आते जा रहा है। अब धूप तेज नहीं है, शाम हो चुकी है, मजा आएगा अब। और यहाँ से ये रोड भी देखने को मिलती है, इसी रोड से आप लोग वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। और ये जो रोड है जो पहाड़ के किनारे किनारे से आ रही है, इसी रोड के थ्रू आपको आना है। ऊपर चढ़ने का फायदा ये है दोस्तों, ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और ट्रैकिंग करने को मिलती है। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी मेरी तरह। पहाड़ जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ऊँचा होता है, और ये बात मैं हर ट्रैकिंग में हर क्लाइंबिंग में अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ। जब भी मैं ट्रैकिंग करता हूँ तो ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है। पहाड़ दूर से दिखाई देता है छोटा, लेकिन एक्चुअल में जब चढ़ाई करते हैं तब पता चलता है वो कितना 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 बड़ा है। स्पेशली यहाँ पर चढ़ना थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अलग अनुभव है मेरे लिए। चढ़ना तो आसान है, लेकिन जब उतरने की बारी आएगी तो मैं किस टाइप से उतरूँगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों जब आप पहाड़ के ऐसे पोर्शन पर पहुँच जाते हैं जब दूरी बहुत कम बची हो, तो वहाँ पर आपकी एक्चुअल परीक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होती है और वो सबसे ज़्यादा कठिन स्टेप होता है। वहाँ पर आपको फैसला करना पड़ता है कि आपको ऊपर जाना है या वापस नीचे उतर जाना है। लेकिन अगर आप लोग वहाँ से कठिन फैसला लेते हैं और चढ़ना जारी रखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है पहाड़ के ऊपर। सो फाइनली दोस्तों मैं झोर-झोरा वाटरफॉल के ऊपर आ चुका हूँ। एक्चुअली मैं झोर-झोरा वाटरफॉल के बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। झोर-झोरा वाटरफॉल वहाँ से शुरू होता है, और मैं चढ़ने के कारण चढ़ते चढ़ते मेरे को याद भी नहीं रहा कि मेरा वाटरफॉल से भी ऊपर आ गया हूँ मैं। और ये पहाड़ यहाँ पे, ये पहाड़ की चोटी है, और जो पानी की धारा है वहाँ कहीं से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो वैली दिख रही है छोटी सी, इसी वैली से पानी की धारा बह रही है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और काफ़ी लोग यहाँ पर भी आकर तैरते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ट्रैकिंग है, धूप ज़्यादा तेज़ हो तो ट्रैकिंग करना और मुश्किल हो जाता है। आपको ये नेचुरल पाथ जो है उसी से होते हुए आपको ऊपर आना होता है, इन्हीं चट्टानों को पकड़ पकड़ के। और फाइनली मैं पानी की धारा को ऊपर से देख रहा हूँ दोस्तों, इसी के लिए मैं इतना ट्रैक करके ऊपर आया हूँ, इस खूबसूरत नज़ारे के लिए और साथ ही साथ ये धारा को ऊपर से देखने के लिए। तो अब मैं झोर-झोरा वाटरफॉल के ठीक ऊपर, और ऊपर से ये वाटरफॉल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे शॉर्ट्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग ये जो चट्टाने हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ है, और अगर आप मेरी तरह ओवरवेट हैं तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, धीरे धीरे सब के सब चढ़ते जा रहे हैं भैया लोग। आप देख सकते हैं दोस्तों इतने अच्छे लैंडस्केप में ये बालाजी का कुरकुरे का पैकेट, चिप्स, जो भी चिप्स का पैकेट है, कितना बेकार लग रहा है। तो मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, धीरे धीरे सब के सब चढ़ते जा रहे हैं भैया लोग, मज़ा आ रहा है सबके साथ चढ़ने में। इसको जरा सा थोड़ा सा साइड कर दे तो ये जगह कितनी सुंदर लगेगी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी दोस्तों, इसी तरह चट्टानों को पकड़ पकड़ के आपको ऊपर चढ़ना होगा। जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ से नहीं उतर रहा हूँ, वो जगह ही भूल गया मैं जहाँ से चढ़ा था। बहुत स्टेमिना वाले लोग आते हैं यहाँ तक चढ़ना, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। और फाइनली कहना चाहूँगा कुछ ऐसा दिखाई देता है झोर-झोरा वाटरफॉल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और लाइफ बहुत छोटी सी है दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए इस खूबसूरत नज़ारे को आंखों में कैद कर लिया,
आप सभी के साथ शेयर कर लिया। आप घर की ओर वापस चलते हैं दोस्तों।